लेकिन उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला खुद से ले ले। हाँ वो अलग बात है अगर उसे किसी की सपोर्ट मिल गई हो तो। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। अरे वाह, आज दोस्तों ने इतनी जल्दी जान कैसे छोड़ दी तुम्हारी? क्या हुआ? सुबह जूनी से क्या बात की थी तुमने? कुछ भी नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? कि जूनी जज्बाती जरूर है लेकिन उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला खुद से ले ले। हाँ वो अलग बात है अगर उसे किसी की सपोर्ट मिल गई हो तो। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। जूनी को ये उल्टी सीधी पट्टियां तुमने पढ़ाई ना? नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे तो सब आंटी ने बताया। तो फिर वो सुबह सुबह हमारे कमरे में क्यों आई थी? वो फोन मांग रही थी मुझसे। तुमने कभी उसे फोन दिया तो नहीं दिया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे फोन क्यों दूंगी, और वैसे भी कल से मेरा फोन नहीं मिल रहा। अच्छा तुम्हारा फोन मिल नहीं रहा और तुम्हें कोई परवाह? हाँ क्योंकि मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वो तो जब जूनी ने मांगा तो मुझे पता चला मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, सारे कमरे में मैंने देख लिया नहीं मिला। फिर तो तुम्हारा फोन यकीनन जूनी के पास ही है। नहीं अगर उसके पास होता तो वो मुझसे क्यों मांगती? फिर मैंने सरसरी सा ढूंढा लेकिन नहीं मिला। मैंने हसीना बाजी को बोल दिया है कि मेरा फोन ढूंढे, घर पे ही होगा, मिल जाएगा। वैसे आज जूनी बिचारी बहुत रोई है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे जाने के बाद मैं आंटी के पास गई थी, उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई, और जाहिर अगर मेरे पास फोन होता तो मैं तुम्हें बताती ना। पहले मैंने तुमसे कभी कोई बात छुपाई है? अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं हसीना बाजी से बोलती तुम्हारे लिए चाय ले आती है। वैसे तुमने बताया नहीं आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। हाँ वो मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं बताया? हाँ एक्चुअली आज दोस्तों के पास जाने का दिल नहीं था तो फिर मैं ऑफिस चला गया। मैं चेंज करके आती हूँ। Assalamu alaikum. Please subscribe to AYY Digital YouTube channel for amazing content.